हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो के अंदर। तो आज यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। बहुत कमाल का टॉपिक है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको इसको एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आएगी। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो देखी है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन मुझे अगर आप कहोगे कि मुझे बहुत थोड़े थोड़े जगहों से पूरा ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन समझने को मिला, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आपको ये पूरा एक ही कंप्लीट वीडियो में ये पूरा जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है वो आपको समझने के लिए मिले। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का अगर आप शॉर्ट फॉर्म कहीं पे देखोगे तो वो आपको एनजीपी देखने के लिए मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे मेरे ऊपर ध्यान दो, मेरी बातों के ऊपर, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होता क्या है? एक नेबर होता है जो क्या करता है, एक रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। और खासकर ये रिएक्शन आप किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू आप पढ़ सकते हो, चाहे आपका SN1 मैकेनिज्म हो, SN1 रिएक्शन हो, या फिर आपका SN2 रिएक्शन और SN2 मैकेनिज्म हो, दोनों में आप नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो और उसके अंदर आप पढ़ सकते हो। बात यहाँ पे क्या आती है कि जहां पे भी आपका नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन आपको देखने के लिए मिलता है, जो अक्सर आपको बीटा पोजिशन पे देखने के लिए मिलता है, वो क्या करता है, जहां पे भी आपको नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन मिले वहां पे आप समझ जाओ कि वो जो पर्टिकुलर एटम है, पर्टिकुलर ग्रुप है, पर्टिकुलर रिएक्शन है, वो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा वहां पे आपको स्टेबिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी और वो अच्छे से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हुए देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इसको एक मतलब एक कॉमन तरीके से अगर आप समझो, ओके, जैसे आप हो, अगर आप आपको किसी चीज की सपोर्ट अगर आपको मिल जाए, जैसे मतलब आप आपको कैसा होता है कि कभी कभी आप ऐसी कुछ सिचुएशन में होते हो जिसमें आप अपने फैमिली से वो मदद नहीं ले सकते, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है कि आप अगर कोई आपका पड़ोसी है, कोई अगर आपका नेबर है, अगर वो आपको मदद कर देता है तो आपका वो काम जो रुका हुआ है वो बहुत अच्छे से क्या हो जाता है, स्मूथली कंप्लीट हो जाता है। तो वहां पे आपके नेबर ने जो रोल प्ले किया है वो सेम रोल प्ले यहाँ पे आपको रिएक्शन के अंदर ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन आपको करते हुए देखते हैं। अभी इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से समझते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, आप किस तरीके से नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन को आप समझ सकते हैं, ओके? जैसे आपका नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का एक जो फॉर्मेट होता है वो किस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पे आपके पास रिएक्शन है, ओके, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, एक लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, एक आपके पास ग्रुप होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कहते हैं, जिसके ऊपर आपका क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ओके। जहां पे आपका लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है ना उसको हम लोग अल्फा कहते हैं, और जहां पे आपका नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं, करेक्ट। जब ये लोन पेयर क्या करते हैं, लोन पेयर इजिली क्या करते हैं, इस लिविंग ग्रुप के ऊपर अटैक करते हैं, ओके। जब ये लिविंग ग्रुप के ऊपर अटैक करते हैं तो लिविंग ग्रुप क्या होता है, यहाँ से आपका बाहर चले जाता है, करेक्ट। और कुछ इस तरीके से आपको एक कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है, यानी एक रिंग आपको, साइक्लिक रिंग आपको देखने के लिए मिलती है और कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे आपका ग्रुप आ गया, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ओके, ये आपको इस तरीके से एक कंपाउंड देखने के लिए मिलता है, ओके। फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाते हैं, ओके। जब इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे हम एडिशन अटैक करवाते हैं ये साइक्लिक रिंग के ऊपर, तो ये आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल आपका कहीं से भी अटैक कर सकता है, चाहे आपका ये वाले ग्रुप से करे या फिर ये वाले कार्बन को करे, ओके। आप ये सहमत हो, आप कहीं से भी इसका अटैक हो सकता है न्यूक्लियोफाइल का, ओके, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास एक जो फाइनल कंपाउंड बनता है वो फाइनल कंपाउंड कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, यहाँ पे आपके पास जो ग्रुप है वो आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। तो ये पूरा जो आपका यहाँ पे एक नॉर्मल जो रिएक्शन यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, इसी को हम लोग नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कहते हैं, जहाँ पे नेबरिंग ग्रुप का जो पार्टिसिपेशन होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके, किसी भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए, चाहे वो SN1 हो, SN2 हो, दोनों के लिए, ओके। अभी इसके अंदर कुछ चीजें जो आपको लिखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका जो बीटा पोजीशन होता है, ओके, बीटा पोजीशन हैज अ ग्रुप विच हैज लोन पेयर, ओके, एंड पाई बॉन्ड। आपका जितना भी आपका बीटा पोजीशन होता है वहां पे आपका लोन पेयर और आपका पाई बॉन्ड होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करते हैं, एक साइक्लिक आपको इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन आपको करके देते हैं, जो अभी हमने निकाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो साइक्लिक इंटरमीडिएट का आपका जो बीच में फॉर्मेशन यहाँ पे आपको
देखने के लिए मिला है। इसको अगर आप चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये आपका क्या है, साइक्लिक इंटरमीडिएट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, इंटरमीडिएट इसका यहाँ पे आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये आपका एक सिंपल सा, बहुत बेसिक सा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का क्या था, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया था। लेकिन आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये वाले रिएक्शन के अंदर आपका नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है? तो इसके कुछ बहुत फेमस एग्जाम्पल है जो आपको पूछे जाते हैं, यानी हर कोई आपका नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन आपको नहीं दिखाएगा। तो कुछ ऐसे मतलब गिने चुने ही एग्जाम्पल है जो आपको क्या करते हैं, ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे एक स्टार मार्क करो और यहाँ पे लिखो आइडेंटिफिकेशन। ओके, मतलब आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से आप उस चीजों को पहचान सकते हो, आप उसके बारे में जान सकते हो कि वहां पे आपका नेबरिंग ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये सारी चीजों को जानने का कुछ तरीका है, वो तरीके यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ। सबसे पहला यहाँ पे जो आपका तरीका है कि जो आपका लिविंग ग्रुप अटैच है, ओके, ये क्या होना चाहिए, जनरली जनरली विल बी ओ टी एस या फिर आपका ब्रोमीन। ओके, आपका लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, जनरली आपका ओ टी एस ग्रुप होना चाहिए या फिर आपका ब्रोमाइड ग्रुप होना चाहिए। ओके, ओ टी एस का मतलब होता है वो टाइएस, ऐसा कुछ नाम है। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप ओ टी एस का स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आता है, एस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आपके पास सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके साथ आपका एक बेंजीन रिंग यहाँ पे अटैच होता है। ओके, और फिर आपका यहाँ पे CH3 ग्रुप आता है जिसको हम लोग कहते हैं TS ग्रुप कहते हैं। और ये कहाँ तक होता है, यहीं तक होता है, आपका ऑक्सीजन नहीं होता। ऑक्सीजन अगर आपने ऐड कर दिया तो वो आपका OTS हो जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, TS ग्रुप हो जाएगा। ओके, जिसको हम लोग टाइसेट ग्रुप कहते हैं। यहाँ तक आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहला जो आइडेंटिफाई करना है, आपका जो लिविंग ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप के ऊपर अगर आपका OTS अगर प्रेजेंट है तो ही वहां पे आपका क्या लगने वाला है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन लगने वाला है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ कि किस तरीके के आपको एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको एक एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेगा, जैसे यहाँ पे आपका ओ ए सी अटैच है और यहाँ पे आपके पास ओ टी एस अटैच है। ओके, यहाँ पे एक और हो सकता है, यहाँ पे आपके पास बेंजीन रिंग अटैच है। ओके, और नीचे आपका क्या है, ओ टी एस अटैच है। यहाँ पे एक और इस तरीके का भी एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, जैसे यहाँ पे आपके पास ये एक चेयर फॉर्म में स्ट्रक्चर है। ओके, ये चेयर फॉर्म में आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपके पास ओ टी एस प्रेजेंट है जो है आपके पास, साथ में एक डबल बॉन्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट है। करेक्ट, तीसरा चौथा आपके पास इस तरीके से हो सकता है, यहाँ पे आपके पास ओ एच है और साथ में आपके पास NH2 भी हो सकता है, और आपका लिविंग ग्रुप की जगह पे क्या होना चाहिए, आपका बी आर होना चाहिए। जैसे हमने बताया था आपका ओ टी एस भी हो सकता है और आपका बी आर भी हो सकता है, दोनों सिचुएशन में आपको क्या करना है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, ये आपको कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, जिसको देख के आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। इसके इस एग्जाम्पल को लेके हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे कि ये कैसे सॉल्व होता है, वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं करेंगे, ये जितने भी आपको मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, चाहे आपका बेंजीन हो, ओ एस ओ ए सी हो या फिर आपका यहाँ पे चेयर फॉर्म में आपको स्ट्रक्चर दिया हो, वो सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये आपका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आपका क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट आपका ये हो सकता है, ये हमने पहला पॉइंट लिखा। दूसरा पॉइंट आपका क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि जो आप लिविंग ग्रुप और लेने वाले हो, ओके, लिविंग ग्रुप एंड आपका जो नेबरिंग ग्रुप है, ओके, नेबरिंग ग्रुप है, ओके, मस्ट बी एंटी पैरी प्लेनार। ओके, एंटी पैरी प्लेनार होना चाहिए आपका, आपका लिविंग ग्रुप और नेबरिंग ग्रुप जो क्या होना चाहिए, हमेशा एंटी पैरी प्लेनार होना चाहिए, जैसा इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा है। एक आपका ऊपर साइड है तो एक आपका नीचे साइड है, ये भी आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन में देखना है। और एंटी प्लेनर का मतलब आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि वो दोनों क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझो, इस एग्जाम्पल के तौर पर आप ये सारी चीजों को बहुत क्लियर तरीके से आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपके पास एक नॉर्मल, यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक रिएक्शन करवा रहा हूँ,
इस रिएक्शन में मेरे पास कोई भी, चाहे आपका ओ एस सी हो या फिर आपके पास ओ टी एस हो, यहाँ पे मैंने कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है कि आपका लिविंग ग्रुप साथ में आपका नेबरिंग ग्रुप ये एंटी पेरिप्लेनर है। दोनों मैंने क्या रखा है यहाँ पे, आपको सेमी रखा है, इसमें कोई भी चीज यहाँ पे मैंने अलग नहीं रखी है। तो इस कंडीशन में जब आपका रिएक्शन होता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका ओ ए सी है, ओके, और नीचे आपके पास डी एम एफ है, ये क्या करते हैं इसके ऊपर इन द प्रेजेंस ऑफ, इसके अंदर रिएक्शन होता है, ओ ए सी आपका ओ नेगेटिव होता है, ओके, यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है वो कुछ इस तरीके का आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपका ओ एस सी आ जाता है और ओ टी एस रिप्लेस करता है आपका ओ एस सी से, ओके। यहाँ तक आई थिंक मेरे हिसाब से आपको समझा होगा ये क्या होता है। जो आपका ओ टी एस होता है ये बहुत बढ़िया क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है, ओके। आप इसको लिख सकते हो गुड लिविंग ग्रुप, यानी बहुत आसानी से ये क्या करता है, किसी भी कंपाउंड से बहुत आसानी से चले जाता है। यहां तक जो मैंने लिखा है, अगर आपको नहीं भी समझा होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका जब मैकेनिज्म समझोगे ना बच्चे लोग, तो आप मैकेनिज्म के थ्रू आप ये सारी चीजों को कनेक्ट कर पाओगे कि किस तरीके से आपका ओटीएस रिप्लेस होता है आपका ओएसी ग्रुप से, और ये कैसे होता है ये थोड़ा सा हम समझेंगे, ओके। इसका मैकेनिज्म के थ्रू आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या करो, इसका मैकेनिज्म हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ओके। मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं, ये सेम कंपाउंड यहाँ पे हम रखते हैं, जैसे मेरे पास क्या है, ये कंपाउंड है, यहाँ पे मेरे पास साइक्लो हेक्सेन है। यहाँ पे अभी मैंने क्या किया है, दोनों ग्रुप आपका क्या था, यहाँ पे आपका इन द प्लेन था। अभी मैंने क्या किया है, एक ग्रुप को मैंने आउटसाइड द प्लेन रखा है, यानी आपका अबव द प्लेन रखा है, जो आपका क्या होगा ओ ए सी होगा, और एक को मैंने क्या रखा है, बिलो द प्लेन रखा है, जो आपका क्या होगा, आपका ओ टी एस होगा, करेक्ट। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो आपका ओ एस सी है ना, ये क्या करता है, एक नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की तरह काम करते करने लगता है। अभी यहाँ पे जैसे ही आप इसमें आप रिएक्शन करवाते हो आपका ओ एस सी का, ओके, और आपका डी एम एफ का, डी एम एफ क्या होता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, जो हम लोग अक्सर किसके अंदर यूज करते हैं, एस एन टू रिएक्शन के अंदर हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास अबव द ग्रुप क्या है, ऑक्सीजन है, करेक्ट। अगर आप इसको मतलब ओ एस सी को अगर आप यहाँ पे ओपन करो, यानी इसका ओ एस सी ना लिख के इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाओ, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है, ओ कार्बन, यहाँ पे आपके पास सी एच थ्री ग्रुप, और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, आपके बिलो द प्लेन में क्या है, आपके पास ओ टी एस है, ठीक है। ये आपके पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपके पास बनते हुए देखने के लिए मिलता है, जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। हमने कुछ नहीं किया है इसके अंदर, कोई चेंजेस नहीं किया है, बस हमने क्या किया है, ओ ए सी को जो हमारा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन पे जो हमने ग्रुप लिया था उसको हमने ओपन किया है, बस हमने क्या किया है, इतना ही हमने इसके अंदर किया है। अभी इसके अंदर मैं क्या करूंगा, कुछ चेंजेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपके पास ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे इस तरीके से। अगर ये बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ना, वो भी ब्रेक होंगे और कार्बन के ऊपर आके अटैच हो जाएंगे, ओके। जब ये कार्बन के ऊपर आके अटैच होते हैं, तब क्या होता है, यहाँ से जो आपका ओ टी एस है उसका यहाँ पे आपको रिमूवल इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। और जब ये ओ टी एस यहाँ से रिमूव होता है, तब आपके जाके जो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होते हुए देखने के लिए मिलता है, वो कंपाउंड कुछ इस तरीके से होता है। आपका यहाँ पे क्या है, अबव द ग्रुप क्या है, आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ क्या है, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास कार्बन आ जाता है, करेक्ट। डबल बॉन्ड जब आपके पास कार्बन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, तो नीचे आपका सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये क्या करता है आपका, ये इसके साथ जो आपका नेबरिंग ग्रुप था, ओके, जहां से लिविंग ग्रुप निकला था, उसके साथ क्या होता है, ऑक्सीजन अपना बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, ओके। जब ये बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, तब इसके ऊपर आपका माइनस ओ ए सी का अटैक आपको देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले आपने क्या दिखा, ओ टी एस का यहाँ पे आपको जो ग्रुप था वो यहाँ से क्या हो रहा था, निकल रहा था, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या देखा, यहाँ पे आपका जो ओ ए सी है वो ग्रुप क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी पार्टिसिपेट करेगा इस मैकेनिज्म के अंदर। जब ये पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ पे आपको एक कंपाउंड यहाँ पे आपको फॉर्म होते हुए दिखेगा, एक जो मतलब एक प्रोडक्ट है वो फॉर्म होते हुए दिखेगा। अबव द ग्रुप क्या आ जाएगा, आपका ओ ए सी है, ओके, और बिलो द ग्रुप भी क्या आ जाएगा, आपके पास ओ एस ई का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। और ये आपको जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिला है ना, ये प्रोडक्ट, ये जो आपको प्रोडक्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला है, यहाँ पे आपको
रिटेंशन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ओके, यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, रिटेंशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। और इस पूरे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एसीटोइलेसिस। ओके, एसीटोइलेसिस हम लोग ये पूरे रिएक्शन को कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये रिटेंशन बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्जन भी समझेंगे कि इसका इन्वर्जन कैसे होगा। ओके, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने सेम कंपाउंड लिया। ओके, यहाँ पे सेम कंपाउंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपके पास ये साइक्लोहेक्सेन का ग्रुप है, लेकिन अभी इसके अंदर क्या है कि जो आपके पास यहाँ पे जो नेबरिंग ग्रुप एटम लगा था, जो आपका क्या था यहाँ पे OSC था, ये भी आपका अबव द ग्रुप है। और जो आपके पास यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप लगा है वो भी क्या है, आपके पास अबव द ग्रुप है। यानी दोनों ग्रुप क्या है आपके पास यहाँ पे अबव द है। ओ यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OTS आएगा। यहाँ पे आप क्या करो, OTS लिख लो। ओके, अभी दोनों ग्रुप जब आपका अबव द ग्रुप हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब आप OSE का यहाँ पे आप अटैक करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ DMF ऑप्रोटिक सॉल्वेंट के ऊपर, तब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका यहाँ पे ये कंपाउंड यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है आपका OSE, और यहाँ पे भी आपका क्या फॉर्म हो रहा है आपका OSE। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आपको नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, और ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन आपको यहाँ पे नहीं देखने के कारण ये है कि यहाँ पे ये जो आपका नेबरिंग ग्रुप है, ओके, यहाँ पे जो आपका नेबरिंग ग्रुप है, ओके, एंड आपका यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है, ओके, ये क्या होते हैं, दोनों आपको सेम प्लेन में होने के कारण यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ताकि आपको जब कभी भी आपको नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का कोई क्वेश्चन आया तो आप आसानी से उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हम लेते हैं। यहाँ पे आपके पास फिनाइल ग्रुप आ गया, करेक्ट, यहाँ पे आपके पास आ गया OTS आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आपके पास जो रिएक्शन होने वाला है, ये अगर आप यहाँ पे फिनाइल ग्रुप को अगर आप लिख दो तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके से आपके पास बेंजीन रिंग आ जाएगा, करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इस तरीके से एक बेंजीन रिंग आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास OTS आ जाएगा, ठीक है। अभी इसके अंदर आपने क्या करवाया है, रिएक्शन करवाया है किसका, आपने OSE का, और इन द प्रेजेंस ऑफ DMF आपका जो ऑप्रोटिक सॉल्वेंट है उसका आपने क्या करवाया है, रिएक्शन करवाया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहां से आपका जो लिविंग ग्रुप है, वो लिविंग ग्रुप क्या हो रहा है, यहां से आपका बाहर जा रहा है, करेक्ट। लिविंग ग्रुप जब बाहर जा रहा है तो यहाँ पे आपके पास जो फिनाइल ग्रुप अटैच है यहाँ पे, ये फिनाइल ग्रुप में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक जो आपका बॉन्ड है, यहाँ से एक बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से आपका ब्रेक होगा। ओके, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, जब ये लिविंग ग्रुप बाहर चले जाता है तो ये किस इस तरीके से क्या होते हैं, अटैक करते हैं यहाँ पे। ओके, जब ये अटैक इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, यानी साइक्लिक आपको कंपाउंड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है इस तरीके से। ओके, ये थोड़ा सा मैंने गलत बनाया है, लेकिन आपको इसी तरीके से एक साइक्लिक रिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि जब इसके अंदर आप क्या करते हो, यहाँ पे आप OSE का जब आप एडिशन करवाते हो ना, यानी ये क्या है, एक तरह से आपका नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है, करेक्ट। जब आप नेबरिंग ग्रुप का यहाँ पे अटैक करवाते हो तो ये आपका अटैक यहाँ से भी हो सकता है और ये अटैक आपका यहाँ से भी हो सकता है, करेक्ट। दोनों तरीके से यहाँ पे अटैक आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब अटैक आपका इस साइड से होता है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलता है आपको OSE मिलता है। ओके, जब अटैक आपका इस साइड से होता है तो यहाँ पे आपको OSE मिलता है। यानी दो कंपाउंड आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलते हैं, और ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिकल कंपाउंड हम लोग कहते हैं। ओके, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको आइडेंटिकल कंपाउंड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपका आइडेंटिकल कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है। आप उसी तरीके से आप इन्वर्जन भी निकाल सकते हो, उसी तरीके से आप रिटेंशन को भी आप फाइंड कर सकते हो, आपको दोनों चीजों में कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी।
तो ये मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके तरीके से आपको बताया है कि आपका नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन एक्चुअली में होता क्या है, किस तरीके से आपका जो नेबर होता है वो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और खासकर रिटेंशन के अंदर। ओके, इन्वर्जन में आपका इस तरीके का कोई भी जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन रिटेंशन के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे ही बहुत सारे केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपसे जाते जाते हमारा एक बहुत नम्र निवेदन है कि प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी आप वीडियो को शेयर करें। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो रिएक्शन मैकेनिज्म का ही वीडियो होने वाला है। थैंक यू सो मच आप सभी का। ओके।